अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स, मैं हूँ फरार रफीक। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे चैलेंज का है डे 8 और जिसमें बना रही हूँ ग्रीन हरी मिर्च का ऑमलेट और दो ब्रेड ले ली थी मैंने ब्राउन ब्रेड की और ये सैंडविच बना के मैंने खा लिया था और ये 12:30 पे ही मैं खा रही थी। तो ये लंच भी और ब्रेकफास्ट भी है क्योंकि काफ़ी मैं इसके बाद ना काम करने के बाद मतलब खा पी के फ्री होके जो मैं खाती हूँ वो मैं 5 बजे कभी 4 बजे खाती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट एंड प्लस लंच है। अस्सलाम वालेकुम, आप मैं सफाई करने आ गई हूँ और कब जिस तरह मेरे रूम के जो हालत हो रही है यानी मेसी हो रहा है पूरा। ये बच्चे जो है ना, मैं जितना भी रूम समेट लूँ जितना भी चीज़ों को उसकी जगह पे रख दूँ मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहने देते। टॉयज अलग, चीज़ें अलग, भी दुपट्टा देखेंगे जन्नत फेंक कर गई है, अभी यहाँ पर खेल ली थी दुपट्टा उड़ के और अभी कपड़े वॉश हुए हैं तो वो उसको तेग लगाना है। और आशा भी रात है आज, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी रात है, जागने की रात है। तो आप लोग सबसे यही गुजारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा जितने भी मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमाए और उन सब की होते हैं दिली आरज़ू होती है, हजात होती है, उन सब की हजात को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बस अब मैं ये सफाई करूँगी कि मुझे हलवा भी प्रिपेयर करना है तो बस ये रूम साफ़ कर लूँ। सबसे बड़ी अभी मैं कुछ देख के कुछ हो रहा है रूम को कि रूम साफ़ होगा तो कुछ काम होगा, किचन में जा सकूँगी, वरना तो मैं किचन में भी नहीं जा सकती जब तक रूम सही हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है मेरे रूम इतना मैसी देखती हूँ। तो चले अब सफाई करना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई और बहुत टाइम लगा सफाई में। अभी तो ये जितना आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद अगर आपको वीडियो बना के दोबारा दिखाऊंगी ना तो इसी तरह जैसे हमने पहले हालत देखी थी वैसी मैसी हुआ है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जगह पर नहीं रहने देते, गंद फैला देते। और अभी बच्चों को तैयार करना है और उसके बाद किचन में जाएंगे। आज मेरा डे 8 है तो डे 8 में मैंने दोपहर शाम का खाना मतलब स्नैक्स टाइम होता है वो खाऊंगी, फिर रात के खाने में मुझे डिसाइड नहीं हुआ कि क्या बनाना है, मुझे बच्चों को तैयार कर दूँगा। इज्जत जन्नत आ जाइए, फिर आए तैयार हो जाए आप लोग, आराम से आराम से आराम से। बिल्लू को कपड़े पहनाने ब्रश करना, चले वॉशरूम चले। अच्छा गंदगी नहीं होनी चाहिए, मम्मा ने बहुत सफाई करी अभी, बहुत टाइम लगा आप लोगों को। चले इज्जत और जन्नत तो हो गई है रेडी, जन्नत और इज्जत चले अपने हेयर स्टाइल दिखाएं, दोनों दिखा रहे हैं मुझे क्या देख रही हैं। अच्छा सर को डाउन करें, ये देखें मैं जन्नत का रिजा, आप दिखाएं डाउन करें अपने हेड को। वाह भाई रिजा जन्नत तो बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ भाई सब बताइएगा जरूर जन्नत और रिजा को, ये लोग कैसे लग रहे हैं। चले भाई बच्चे भी तैयार हो गए हैं और रूम भी साफ हो गया है मेरा, तो अब हम जाते हैं किचन में। चलें किचन में चलें, क्या खाएंगे, कस्टर्ड खाएंगे या फिर हलवा बनाऊँ? ओ दो दो चीज़ें बनाऊँ मैं, सही जा रहे हैं आप लोग भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। जन्नत जन्नत बहुत शरारती है हमारी। रात के खाने के लिए मैंने कड़ी रख ली थी हरी प्याज की, और हरी प्याज इसलिए रखी थी क्योंकि ये डाइट के लिए बहुत मुफीद है और रमज़ान आने वाले हैं तो मैंने सोचा रमज़ान में भी मैं हरी प्याज के ही पकौड़े खाऊंगी ताकि मेरा वेट मेंटेन रहे। और आप लोग भी यही यूज़ करके देखिएगा, इससे इसमें वेट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ में मैंने थोड़े से राइस बना लिए थे जिसमें मैंने 20 टेबल स्पून लिए थे मतलब उबले हुए चावल के, और ऊपर से मैंने कड़ी ज़्यादा डाल के खा ली थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो मिलते हैं डे 9 में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।